आंध्र प्रदेश, तब चंद्रबाबू नायडू आंध्र विपक्ष का चेहरा। उस रोज वो सत्ताधारी पार्टी YSRCP के खिलाफ एक धरना कार्यक्रम में जा रहे, पुलिस ने इजाजत नहीं दी। नायडू जिद पर अड़े तो पुलिस को उन्हें डिटेन करना पड़ा। गुस्सा कर नायडू एयरपोर्ट के फर्श पर बैठ गए। 3 साल और 3 महीने बाद वही नायडू फर्श से अर्श पर पहुंच चुके। तब आंध्र में नायडू के पास गिनती के विधायक और सांसद थे, लेकिन आज नायडू किंग और किंग मेकर दोनों बन चुके। किंग इसलिए क्योंकि नायडू ने आंध्र असेंबली इलेक्शन में बंपर बहुमत हासिल किया और TDP ने अपने दम पर सरकार बनाई, और किंग मेकर इसलिए क्योंकि राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 17 पर लड़कर TDP ने 16 सीटें जीती और NDA में BJP के बाद सबसे बड़ी पार्टी। आज PM आवास पर NDA की मीटिंग में नायडू नरेंद्र मोदी के बिल्कुल बगल में बैठे थे। तस्वीरें सब बयां कर रही थी। रिटर्न ऑफ नायडू का ये ट्रेलर NDA को हिम्मत दे रहा था तो इंडिया गठबंधन की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी जब BJP के साथ दोस्ती थी तब वो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था और चंद्रबाबू नायडू संयोजक हुआ करते थे NDA के। उस समय के दौर में भी चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर पद मांगा था, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री पद भी अपने पास रखा था। अब दौर बदल गया है, अब की BJP मोदी और अमित शाह की BJP है। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने भी बहुत वनवास भोगा है, उस वनवास के बाद वो बहुत चीज़ें मांगेंगे अपने लिए। तो ये रिश्तों में जो बदलाव आया है इस पर विचारधारा की बात कम होगी, इसको क्या मिल रहा है इस पर ज़्यादा बात। नीतीश कुमार को अगर पलटी मार कहा जाता है तो चंद्रबाबू नायडू का अतीत भी चौंकाने वाला है। उन पर अपने ससुर के खिलाफ राजनीतिक साजिश करके पार्टी पर कब्जा करने का आरोप है। ये चैप्टर भी रीओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप नायडू का वो इंट्रो जान लीजिए जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM और तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार NT रामाराव के दामाद हैं चंद्रबाबू नायडू। NT रामाराव की बेटी N भुवनेश्वरी के साथ नायडू की शादी। साउथ के सुपरस्टार N बालाकृष्णन NT रामाराव के बेटे और पोते जूनियर NTR का भी जलवा दुनिया देख रही है। ऑस्कर विनिंग RRR जूनियर NTR के एक्शन को सबने सराहा। इस परिवार से नायडू का रिश्ता तो अब आप समझ गए होंगे। दशक में चंद्रबाबू नायडू ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 28 साल की उम्र में पहली बार वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, लेकिन उसके बाद वो चुनाव में NTR के दौर में हार गए। इस हार के बाद उन्होंने TDP ज्वाइन करी और अब वो TDP के एक सशक्त चेहरे। जिस इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को आज तक कोसा जाता है, उस दौर में चंद्रबाबू नायडू की छवि संजय गांधी के सपोर्टर की थी। चंद्रबाबू नायडू 28 साल में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन गए थे और 30 साल की उम्र में वो मंत्री भी बन गए थे, लेकिन इसके बाद चंद्रबाबू नायडू के साथ कुछ बड़ा होने वाला था। 1980 के आसपास की बात है, तब नायडू आंध्र में सिनेमेटोग्राफी मिनिस्टर थे, लिहाजा फिल्मी दुनिया से उनका रब्ता होता था। सुपरस्टार NT रामाराव से नायडू की मुलाकात थी। NTR को नायडू अच्छे लगे और सितंबर 1981 में NTR ने अपनी बेटी भुवनेश्वरी की शादी नायडू से कर दी। '82 में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई। NTR ने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा तेलुगु देशम पार्टी। 1983 में विधानसभा चुनाव में TDP की आंधी में सारे विपक्षी उड़ गए। 294 सीटों में से TDP ने 201 सीटें जीतकर तहलका मचा दिया। सुपरस्टार NTR आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। फिल्मी दुनिया के पहले पर्दे से उतरकर जैसे ही NTR ने राजनीति में कदम रखा, उन्होंने डबल सेंचुरी ठोक दी, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस दौरान भी TDP के खिलाफ लगातार चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की आवाज पर NTR के खिलाफ आवाज उठाते रहे, लेकिन उसके बाद जब चंद्रबाबू नायडू हारे तो उन्होंने तुरंत ही TDP में ज्वाइनिंग कर दी। एक ऑपरेशन के सिलसिले में NTR अमेरिका गए और उनकी गैर मौजूदगी में TDP में तख्ता पलट हो गया। इस संकट की घड़ी में चंद्रबाबू नायडू ने ही TDP को संभाला। NTR जब वापस आए तो वो चंद्रबाबू नायडू से खासे प्रभावित हुए। 1986 में चंद्रबाबू नायडू को NTR ने TDP का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, लेकिन NTR को क्या पता था कि एक दिन चंद्रबाबू नायडू ही उनका सिंहासन छीन लेंगे। दरअसल TDP पर NTR की दूसरी बीवी लक्ष्मी पार्वती का कंट्रोल बढ़ने लगा। उनकी मनमानी पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आती थी। नायडू ने इस आक्रोश को कैश किया और TDP के अंदर वो खुद को विकल्प के तौर पर पेश करने लगे।
नायडू ने अपने ससुर एनटीआर की लीडरशिप को हथियार लिया। 263 दिन की सरकार गिरा दी और 1 सितंबर 1995 को नायडू ने 150 विधायकों के समर्थन के साथ आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। उस वक्त नायडू की उम्र सिर्फ 45 साल थी। 1999 के असेंबली चुनाव में नायडू ने बहुमत हासिल किया और साबित कर दिया कि जनता को नायडू राज पसंद है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश की तस्वीर बदली है। आंध्र प्रदेश को आईटी सेक्टर में बढ़ाया है, हैदराबाद को साइबर सिटी के तौर पर तब्दील किया और तमाम विदेशी निवेशकों को लाया। अब उनकी कोशिश होगी कि जिन्होंने जो रास्ता विकास का आंध्र प्रदेश में खोला था उसको वो वापस दोबारा शुरू करें और सबसे पहली मांग उनकी होगी कि आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और आंध्र के लिए विशेष पैकेज भी दिया जाए। साथ ही जो वहाँ राजधानी बनाने का सवाल कई दिनों से, क्योंकि जब से विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश का उसके बाद से वो पेंडिंग है, उस सवाल को वो सुलझाना चाहेंगे और सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि आंध्र को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा केंद्र से दिलाए। 70 के दशक से राजनीति में सक्रिय ये चेहरा अचानक से देश में ट्रेंड करने लगा है। सबको पता है एनडीए की सरकार में नायडू के 16 सांसदों की क्या अहमियत है। केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। 2019 में यही नायडू नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे थे। आज वही नायडू नरेंद्र मोदी के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। आंध्र के सीएम की कुर्सी भी हाथ में और संभावित प्रधानमंत्री का साथ भी है। नायडू के दोनों हाथ में लड्डू है, ये कहना गलत नहीं होगा। और अब यहाँ एक जरूरी बात, नायडू की पार्टी टीडीपी का जन्म गैर कांग्रेस की राजनीति से शुरू हुआ था और 2018 में पहली बार नायडू ने कांग्रेस से हाथ मिलाया। यानी अगर राजनीतिक विचारधारा के तौर पर देखा जाए तो नायडू बीजेपी के ज्यादा करीब बजाय कांग्रेस के, लेकिन वक्त वक्त पर दोनों से हाथ मिलाकर नायडू ये भी साबित कर चुके हैं कि सियासत में कोई हमेशा किसी का दुश्मन नहीं होता है। अब आपको मैं इस बिग बॉल के जरिए कुछ ऐसी बातें बताऊंगी चंद्रबाबू नायडू के बारे में दिलचस्प, जो आपको जानना जरूरी है, समझना आपको जरूरी है कि केंद्र की राजनीति का नायडू और उनकी पार्टी से आखिर रिश्ता क्या है। तो आपको यहाँ पर बताते हैं कि केंद्र की राजनीति में नायडू कहाँ खड़े होते दिखाई देते हैं। देखिए, 1996 में नेशनल पॉलिटिक्स में उसकी एंट्री हुई थी 1996 में, इसके बाद आम चुनाव में यूनाइटेड फ्रंट के संयोजक बने थे नायडू। दिल्ली का आंध्रा भवन यूनाइटेड फ्रंट का हेडक्वार्टर था। इसके साथ ही 1999 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। आंध्र की 42 लोकसभा सीटों में से 36 सीटें जीती। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था। हालांकि 2014 में मोदी सरकार को टीडीपी का समर्थन हासिल था। मोदी मंत्रिमंडल में टीडीपी के हिस्से में 2 मंत्री पद भी आए थे, लेकिन 2018 में मोदी सरकार से नायडू ने समर्थन वापस ले लिया था। तो ये पूरा जो राजनीतिक उनका सफर रहा है और अब नायडू की नजर नायडू पर सभी की बनी हुई है। इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी आगे आपको देंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर।